दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उपखंड राया पर विद्युत कर्मियों ने काम काज ठप करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगति जैसी तमाम मांगों को उठाया। विद्युत कर्मियों का कहना था कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की है जो उनके लिए नुकसानदायक है और कर्मचारियों पर इस तरह की व्यवस्था लागू करके कुठाराघात किया गया है, जबकि सरकार को पुरानी पेंशन ही बहाल करनी चाहिए। जेई कृष्णवीर सिंह ने कहा कि वो दो दिन विभागीय काम काज ठप कर हड़ताल पर हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को बड़ा करेंगे। हमारी प्रमुख मांग है, जो सरकार ने पुरानी पेंशन है वो खत्म कर दी है, अब हम उसका विरोध करते हैं। नई पेंशन का, पुरानी पेंशन दोबारा हमारी चालू होनी चाहिए। और इसके अलावा और ग्रेड पे हमारा जो 2600 चल रहा है उसका 4200 ग्रेड पे होना चाहिए। सरकार हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और आगे आज 8 और 9 तारीख का दोनों दिन कार्य बहिष्कार है और आगे जो भी रणनीति होगी बताएंगे आपको। नहीं तो किस तरह से कार्य बहिष्कार करेंगे? पूरे काम बंद कर दिया, पूरे पटल बंद है। हाँ, पूरे पटल बंद है, काम नहीं होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं हो रहा।